आठवां अध्याय। श्री व्यास जी बोले, विष्णु दूतों के द्वारा अत्यंत पीड़ित हुए मृत्युदेव और यमदूत अपने राजा यम के भवन में जाकर बहुत रोने कलपने लगे। मृत्यु और यमदूत बोले, राजन, आपके आगे हम जो कुछ कह रहे हैं, हमारी इन बातों को आप सुने। हम लोगों ने आपकी आज्ञा के अनुसार यहाँ से जाकर मृत्यु को तो दूर ठहरा दिया और स्वयं भृगु के पौत्र ब्राह्मण मार्कंडे के समीप गए, परंतु सत्य पुरुष शिरोमणि वह उस समय एकाग्रचित होकर किसी देवता का ध्यान कर रहा था। महामते, हम सभी लोग उसके पास तक पहुंच भी नहीं पाए, क्योंकि बहुत से महाकाय पुरुष मुसल से हमें मारने लगे। तब हम लोगों को लौटना पड़ा, परंतु ये देखकर मृत्युदेव वहाँ फिर पधारे। तब हमें डांट फटकार कर उन लोगों ने उन्हें भी मूसलों से मारा। प्रभु, इस प्रकार तपस्या में स्थित हुए उस ब्राह्मण को यहाँ तक लाने में हम सब लोग समर्थ न हो सके। महाभाग, उस ब्राह्मण का जो तप है उसे आप बतलाइए, वो किस देवता का ध्यान कर रहा था और जिन लोगों को हमने मारा वो कौन थी। व्यास जी कहते हैं, महामते, मृत्यु तथा समस्त दूतों को इस प्रकार कहने पर महाबुद्धि सूर्य कुमार यम ने क्षण भर ध्यान करके कहा। यम बोले, मृत्यु तथा मेरे अन्य सभी किन्नर आज मेरी बात सुने। योग मार्ग समाधि के द्वारा मैंने इस समय जो कुछ जाना है वही सच सच बतला रहा हूँ। भृगु के पौत्र महाबुद्धिमान महाभाग मार्कंडेय जी आज के दिन अपनी मृत्यु जानकर मृत्यु को जीतने की इच्छा से तपोवन में गए थे। वहाँ उस बुद्धिमान ने भृगु जी के बतलाए हुए मार्ग के अनुसार भगवान विष्णु की आराधना एवं द्वादाक्षर मंत्र का जाप करते हुए उत्कृष्ट तपस्या की है। दूतो, वे मुनि निरंतर योग युक्त होकर वहाँ एकाग्र चित्त से अपने हृदय में केशव का ध्यान कर रहे हैं। किंकरो, उस महान मुनि को भगवान विष्णु की ध्यान की महादीक्षी का ही बल प्राप्त है, क्योंकि जिसका मरण काल प्राप्त हो गया है उसके लिए मैं दूसरा कोई बल नहीं देखता। भक्त वत्सल, कमल लोचन भगवान विष्णु के निरंतर हृदय स्थित हो जाने पर उस विष्णु स्वरूप भक्त वत्सल रणत में पुरुष की ओर कौन देख सकेगा। वे पुरुष भी जिन्होंने तुम्हें बहुत मारा भगवान विष्णु के ही दूत थे। आज से जहाँ वैष्णव हो वहाँ तुम लोग ना जाना। उन महात्माओं के द्वारा तुम्हारा मारा जाना आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य तो ये है कि उन दयालु महापुरुषों ने तुम्हें जीवित रहने दिया है। भला नारायण के ध्यान में तत्पर हुए उस ब्राह्मण को देखने का भी साहस कौन कर सकता है। तुम महापापियों ने भगवान के प्रिय भक्त मार्कंडेय जी को यहाँ लाने का प्रयत्न किया है, यह अच्छा नहीं किया। आज से तुम लोग मेरी आज्ञा मानकर उन महात्माओं के पास मत जाना जो महादेव भगवान नरसिंह की उपासना करते हो। व्यास जी कहते हैं, सुखदेव, यम ने अपने सामने खड़े हुए मृत्युदेव और दूतों को इस प्रकार कहकर नरक में पड़े हुए पीड़ित मनुष्य की ओर देखा तथा अत्यंत कृपा एवं विशिष्ट विष्णु भक्त से युक्त होकर नारकीय जीवों पर अनुग्रह करने के लिए जो बातें कही उन्हें तुम सुनो। नरक में यातना सहते हुए जीवों से यम ने कहा, पाप से कष्ट पाने वाले जीव, तुम क्लेश नाशक भगवान केशव की पूजा क्यों नहीं करते। पूजन संबंधी दिव्यों को ना मिलने पर केवल जल मात्र से भी पूजित होने पर भगवान पूजक को अपना लोक तक दे डालते हैं। उनकी पूजा तुमने क्यों नहीं की। कमल के समान लोचनों वाले नरसिंह रूपधारी जो भगवान ऋषिकेश स्मरण मात्र से ही मनुष्य को मुक्ति देने वाले हैं, उनकी पूजा तुमने क्यों नहीं की। नरक में पड़े हुए जीवों के प्रति यूं कहकर विष्णु भक्ति से युक्त सूर्य नंदन यम ने अपने किंकरों से पुनः कहा, किंकरो, अविनाशी विश्व आत्मा भगवान विष्णु ने नारद जी से जैसे कहा था और अन्य वैष्णवों को और सिद्धों को जैसे सदा ही सुना गया है, वह अत्यंत उत्तम भगवान है। मैं प्रसन्न होकर तुम लोगों से शिक्षा के लिए कह रहा हूँ, तुम सभी भगवान के शरणागत होकर सुनो। भगवान कहते हैं, हे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जिस प्रकार जो मेरा नित्य स्मरण करता है उसको मैं उसी प्रकार नरक से निकाल लेता हूँ, जैसे जल को भेदकर कमल बाहर निकल आता है। पुंडरीकाक्ष, देवेश्वर नरसिंह, त्रिविक्रम, मैं आपके शरण में पड़ा हूँ। यूं जो कहता है उसका मैं उद्धार कर देता हूँ।
देवादिदेव जनार्दन, मैं आपकी शरण में आया हूँ। इस प्रकार जो मेरे शरणागत होता है मैं उसे क्लेश मुक्त कर देता हूँ। व्यास जी कहते हैं, वत्स, यमराज जी के कहे हुए इस बात को सुनकर नरक में पड़े हुए जीव कृष्ण कृष्ण नरसिंह इत्यादि भगवान के नाना नाम को जोर से उच्चारण करने लगे। नारकीय जीव वहाँ ज्यो ज्यो भगवान के कीर्तन करने लगे, त्यों त्यों वो पापों से मुक्त होने लगे। इस तरह भक्ति भाव से पूर्ण हो वो इस प्रकार कहने लगी। नरकास्त जीव बोले, ओम, जिनका नाम कीर्तन करने से नरक की ज्वाला तत्काल शांत हो जाती है, उन महात्मा भगवान केशव को नमस्कार है, जो यज्ञों के ईश्वर है, आदि मूर्ति, शांति स्वरूप और संसार के स्वामी है। उन भक्त प्रिय विश्व पालक भगवान विष्णु को नमस्कार है। अनंत अप्रेमीय नरसिंह रूप शंख चक्र गदा धारण करने वाले लोक गुरु आप श्री नारायण को नमस्कार। वेदों के प्रिय महान एवं विशिष्ट गति वाले भगवान को नमस्कार। तर्क के अविषय वेद स्वरूप पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान वराह को प्रणाम। ब्राह्मण कुल में अवितीर्ण वेद वेदांतों के ज्ञाता अनेक विषयों का ज्ञान रखने वाला कांतिमान भगवान वामन को नमस्कार। बलि को बांधने वाला वेद के पालक देवताओं के स्वामी व्यापक परमात्मा आप वामन रूपधारी विष्णु भगवान को प्रणाम है। शुद्ध द्रव्य में शुद्ध स्वरूप भगवान चतुर्भुज को नमस्कार है। दुष्ट क्षत्रियों को अंत करने वाला जामदग्नि भगवान परशुराम को प्रणाम। रावण का वध करने वाला आप महात्मा श्री राम को नमस्कार। गोविंद, आपको बारंबार प्रणाम। इस दुर्गंधपूर्ण नरक से हमारा उद्धार करें। व्यास जी कहते हैं, सुखदेव, इस प्रकार नरक में पड़े हुए जीवों ने जब भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का कीर्तन किया तब उन महात्माओं की नरक पीड़ा तत्काल दूर हो गई। वे सभी अपने अंगों में दिव्य गंध का अनुलेप लगाए दिव्य वस्त्र और भूषणों से विभूषित हो श्री कृष्ण स्वरूप हो गए। फिर भगवान विष्णु के किंकर यम दूतों को भगाकर उन्हें दिव्य विमानों पर बिठाकर विष्णु धाम को ले गए। विष्णु दूतों द्वारा सभी नरकास्त जीवों को विष्णु लोक में ले गए। जाने पर यमराज जी पुनः भगवान विष्णु को प्रणाम किया। जिनके नाम कीर्तन से नरक में पड़े हुए जीव विष्णु धाम को चले गए उन गुरुदेव नरसिंह भगवान को मैं सदा प्रणाम करता हूँ। उन अमित तेजस्वी नरसिंह रूप भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं, उन्हें भी मेरा बार बार नमस्कार है। उग्र नरक गणों को शांत और सभी तंत्र आदि को विपरीत दिशा में पड़े देखकर यमराज स्वयं ही पुनः अपने दूतों को शिक्षा देने के लिए मन में विचार करते हैं।